ने आपके भाई ने लगाया रफ पेपर। लो जी, आपके भाई ने कहा था काम शाम करा के कॉइल और जो है ना, अचानक ही हमने बंदे बुला लिए। ये ये भाई शादी में पहुंच गए, ये कार शो वाला सीन हो गया यार। मैंने अब क्या कहा, चेक किया। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग अनदर वीडियो। होप सो आप लोगों ने पिछली वीडियो एंजॉय की होगी। एंजॉय क्या की होनी यार, पार्क व्हील की इतनी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी और इतना हम लोगों ने उस पर एक दिन में इतनी खवारी की, एक दिन में बाबा की गाड़ी रैप हुई, एक दिन में जो है इंजन डाला आसमान भाई की गाड़ी का, सब प्रोग्राम जो है ना वो दिल ही टूट गया यकीन माने। जिस टाइम वो पार्क व्हील का आया ना नोटिफिकेशन पोस्टपोन हो गया, उस टाइम दोनों गाड़ियों का, मेरी गाड़ी का और बाबा की गाड़ी का ऑयल चेंज हो रहा, तो एक गाड़ी का हुआ था एक का नहीं हो रहा था। मैंने कहा हो रहा है तो चलो करवा ही दो, अगले महीने में तो जाना ही है। चलो कुछ चीज़ें रह गई थी, ये बोनट आपके भाई ने चेंज किया, हैदर की गाड़ी पे कार्बन फाइबर लगा हुआ था वो मैंने अपनी गाड़ी पे लगा दिया, कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में रह गई थी। एक चलो कुछ मज़ीद और चेंजेस कर लेंगे, मज़ीद और बेहतरी लाएंगे गाड़ियों में। तो अभी सीन ये है कि अगले महीने की है 17 दिसंबर को। अब हमारा सफ़र जो है वो रात का आसान होता है क्योंकि एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ गाड़ी पर, तो मोटरवे वाले पुलिस वाले तंग नहीं करते। अब दिसंबर में होगी धुंध ठीक ठाक, रात का सफ़र हो नहीं पाएगा क्योंकि अगर मोटरवे बंद हुई तो फिर गाड़ियाँ जीटी रोड पे उतार देंगे, क्योंकि गाड़ियाँ जीटी रोड वाली है नहीं। हमें अब करना पड़ेगा दिन का सफ़र, चलो जो होता है बेहतर होता है। तो आज का दिन शुरू करते हैं। आप लोग यार वीडियोज़ देख रहे हैं सब्सक्राइब किए बगैर, सब्सक्राइब भी करें। और जो भाई लोग कह रहे थे कि बैठ के सुकून से स्टोरी सुनाया करें, जो भी है कर रहे हो दिन में जो भी सीन है ले भाई, आपका भाई बैठ गया और सुकून से आप लोगों को स्टोरी बता रहा है। अभी आज के दिन जो है हमारे पास करने को ये है कि हमने करनी है मर्सिडीज़ प्यारी की डिटेलिंग, साइडें हुई हुई हैं, फ्रंट रहता है। मैं चला गया था घर रात को, हैदर लोगों ने बस हैदर और नियाजी ने साइडें की हैं और बाकी वो भाग गए। अभी इंशाल्लाह मैं इसका फ्रंट करता हूँ और बैक भी रहता है वो भी करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ, टाइम स्लैप लगाता हूँ और आप लोगों को भी चेक करवाता हूँ। और दिन में हमारे पास क्या है करने को, हमने जाना है I-10, वहाँ से लेनी है कॉइल ओवर किट्स, वो वहाँ से ख़रीद के हमने भेजनी है मनसेरा। ये काम करने के बाद उधर जाएगा भाई, उसके बाद एक दो काम और हैं उधर पड़ी हुई हैं, उस्मान भाई की गाड़ी की शील्डें मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ, ऐसे दूर से नज़र नहीं आ रही। ये यहाँ पड़ी है, ये फजूल गंद पड़ा हुआ, इस वजह से जो है ना बहुत काम ख़राब होता है, सही तरह दुकान की सफाई नहीं हो पाती। ये करते हैं काम शुरू करते हैं और आप लोगों को भी चेक करवाते हैं। होए 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 यार, गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही, एक मिनट ज़रा बाल शाल सेट कर लो। ओके, गर्मी यार ना जाने का नाम ही नहीं ले रही, आप लोगों को चेक करवाता हूँ। हाँ जी, मेरा पुत्र छोटी कार क्या ने आपके भाई ने लगाया रफ पेपर ताकि ये कंपाउंड होने के बाद हो जाए ज़बरदस्त। ये कंडीशन है लाइट की, अगर आप लोगों की गाड़ी की भी लाइटों की कंडीशन ऐसी है तो आप लोग इसके रफ पेपर लगा के कंपाउंड करवाएं, वो ज़बरदस्त हो जाएगी। मैं आपको दूसरी लाइट चेक करवाता हूँ, ये देखें ये बिल्कुल 100% होगी क्लियर, बम्पर भी साइड से हो गया, सिर्फ रह गया बोनट। 6 बजे गाड़ी देनी है, अभी मैं घंटे में गाड़ी ख़त्म करके फिर मैं जाऊंगा कॉइल ओवर किट्स के लिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वहाँ से जाके ख़रीद के तो मनसेरा भेज दूँ। तो अभी का सीन ये है, बस इंशाल्लाह बोनट रह गया, लाइट आप लोगों ने देख ली है, ये मैं करके निकलता हूँ और फिर आप लोगों को जाते हुए मिलता हूँ। 1 hour later लो जी, आपके भाई ने कहा था काम वाम ख़त्म करके जाएगा I-10, काम है वहाँ से किट खरीद के एक बंदे को मानसेरा कार्गो करनी है और ये घर वालों ने पकड़ लिया है कि आओ पहले ग्रॉसरी करनी है। 1000 years later अपडेट ये है कि गाड़ी होगी ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट, ये डिलीवर करेंगे कस्टमर को इंशाल्लाह को रात को 10-11 बजे। अभी आपका भाई जा रहा, मैंने आपको बताया था कि कॉइल ओवर किटें रहने हैं जो मनसेरा भाई को भेजनी है, वो भी बहुत नाराज़ हो रहे हैं, मुझे घर वाले लेके निकल लिए, भाई कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं। मैं अभी निकल रहा हूँ, दुकान भी बंद होने लगी, उनको करवाया हुआ मैंने वेट कि दुकान बंद ना करूँ, मैं भी बस निकलने के लिए रेडी हूँ, शटर आधा बंद है। मैं चला गया था, हेलमेट यहाँ पड़ा हुआ है और ग्लव्स यहाँ पड़े हैं क्योंकि सर्दी यहाँ पे ठीक ठाक हो गई है, तो सेफ्टी फर्स्ट।
अभी ये ग्लास और हेलमेट उठाते हैं और हम निकलते हैं। आपको मैं वहाँ पहुँच के निकलता हूँ, क्योंकि ग्लास आपके भाई ने पहने होंगे तो रास्ते में ब्लॉगिंग शॉगिंग होगी नहीं, बाइक पे जा रहा हूँ तो आपको वहाँ पहुँच के मिलता हूँ। वेरी डेंजरस भाई, स्पीड ऑफ स्पीड पहुँच गया, कुछ नहीं होता ना, स्प्रिंग निकालना पड़ेगा, स्प्रिंग सब कुछ चेक करें, हर तरह के कॉइल और जो है ना अवेली वाला। अभी यहाँ से हमने अपने भाई के लिए देखे, कैम्बर किटें भी जो है ना हर किस्म की पड़ी हुई है, किसी भाई को चाहिए हो तो भाई को मैसेज वैसेज करके रहता मापता कर सकता है। ये शॉक किसके निकाले, ये तो 95 के हैं। आपका भाई जब भी बाहर निकलता है ना इतनी पीछे से कॉलें आती हैं, अच्छी खासी बैटरी होती है और बैटरी जो है ना वो फारग हो जाती है। वाजिद भाई मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे। वाजिद भाई कितने बजे जाना था आपने? मगरब के फौरन बाद 5-6 बजे की छुट्टी हुई थी, मेरे इंतजार में बैठे हुए 7 बज गए। ये किटें हमने खरीदी हैं भाई के लिए, ये वाली जो ऑल्टर नहीं है, ऑल्टर ये वाली, ये स्प्रिंग है, ब्रांडेड स्प्रिंग है RSR के, और ये किटें हैं। गाड़ी ड्रॉप भी अच्छी होगी और हाइट भी अच्छी जाएगी। मैं और भाई यहाँ पे ना एयर का सेटअप भी करते हैं, ये टैंक पड़ा हुआ है, दुनिया जहान का स्प्रिंग, दुनिया जहान के बैग, ये देखें ये बैग्स हैं, और ये दुनिया जहान का स्प्रिंग, हर तरह की वैरायटी जो है ना आपको यहाँ पे सुकून से मिलेगी। अब मसला ये है कि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है ना वो 13% है, वरना मैं और भी आप लोगों को जितना चीज़ें भी चेक करवाता। पहले मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी, वो 21% से डायरेक्ट 10% पे आई है। अभी आपका भाई लाइट के पास खड़ा हो गया ताकि ईजीली जो है हर किस्म का दुनिया जहान का स्पेसर भी पड़ा हुआ है। तो मैं अभी निकलने लगा हूँ, भाई की चीज़ें मैंने खरीद ली हैं, फिर आप लोगों को रिव्यू देता, लेकिन अब मसला ये है कि फ़ोन की बैटरी जो है ना वो ठुस कर गई है। The next day. अचानक ब्लॉग शुरू कर लिया है, अभी सीन ये है कि अचानक ही फ़ोन आया, अचानक ही ब्लॉग शुरू कर लिया है और अचानक ही हमने बंदे बुला लिए। ये भाई तुम्हारी डिग्गी अभी जो है ना वो पीछे से ऐसे पैक होने लगी थी। क्या किया तुझे? नहीं आवाज आई? नहीं, मिठू से पूछ, पीछे पूरी ब्रेकें जोड़ के तेरे साथ ऐसे ऐसे करके रोकी है गाड़ी तूने। हाँ तो देख ना, मेहरबानी करना। सीन ये है कि हम जाने लगे हैं एक शादी पे, एक भाई ने बुलाया, क्या है मिठू भाई ठीक है फिट है? मिठू भाई जब तो पूछो इसका क्या होने लगा। अभी हम जाने लगे हैं शादी पे, तैमूर भाई ने बुलाया शादी पे और अचानक ही हम शादी पे हैं और अचानक ही बंदे भी बुला लिए। ये बाबा तो खैर जाना ही था, ये बंदा जो है ना ये दुकान पे आया था किसी काम से, ठीक है, और भाईजान ने कहा कि मुझे भी ले चलो शादी पे, रोटी खानी है। अभी हम लोग सारे इकट्ठे हो गए, मुझे शादी वाली गाड़ियाँ, मिठू भाई भी आ गए, मुझे शादी वाली गाड़ियाँ आ रही हैं और उनके साथ हमने जाना है, एंट्री मारनी है। हमें लिटरली नहीं पता कि किसकी शादी है, बस रोटी छोटी के चक्कर में समझा करें ना, तो अभी जाते हैं, बाकी बॉयज़ भी ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को मिलते हैं। उस्मान भाई भी आ रहे हैं, हारिस भी आ रहा है, ज़ैफ़ा भी आ रहा है, जी जिसको मैंने कॉल किया ना कि भाई ये शादी का सीन है, आ रहे हैं जी, मेले बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, तो वो लगाते हैं तो आप लोगों को मिलते हैं। इधर रुके हुए तो साथ हो गई है विंडो शॉपिंग शुरू, किसने लिए? मिठू भाई ने भी जैकेट लिए, गाड़ी उठाएंगी बाबा की तरफ। उस्मान भाई ने भी हमें ज्वाइन किया, रोड पर बैठ के बूट शूट पहन रहे। ये सारे बंदे जो है ना, सारे जितने भी हैं, ये जितने भी हैं सब रोटी के पीछे आए हुए, जैन पार्क जिसको जिसको देखो ना, ये डिप्टी कमिश्नर साहब शादी पे, पता है नहीं शादी किसकी है लेकिन तैयार शायद ऐसे होके आया हुआ ना। क्यों जी खान जी? हाँ हम सारे रुके हुए और खान भाई की जो वो तो खैर और बंदे हैं, इधर सारे बंदे जो है ना जैकेट वैकेट ले रहे हैं। चलो ये भी ठीक, तूने मुंह क्यों छुपाया हुआ? अभी हारिस भी आ रहा है, बाकी भी आते हैं तो फिर इंशाल्लाह आगे जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वॉइस सीन ये है कि बाकी सब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अभी मैं जो आगे ब्लॉग करूँगा इंशाल्लाह वो किसी और फ़ोन से करूँगा, क्योंकि बैटरी जो है ना अपनी वो डेड गो है, ये किसी कार का है कि वेडिंग है। ये तैमूर भाई जा रहे हैं आगे वेडिंग, क्या यार मैं अभी शादी है, तैमूर भाई ये जा रहे हैं और साथ मुझे मोबाइल पे कॉल भी आ रही है, तो आपको इंशाल्लाह आगे जाके मिलता हूँ। ये हमने इनको जाना ज्वाइन कर लिया, ये सीनियर बॉयज, बाकी सारे बॉयज पीछे, ज़ैफ़ा भी यहाँ ही रोड पर खड़ा है, उसको मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि बस रेडी हो जाए, सीधा आके गाड़ी लगा रहे, मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ज़ैफ़ा घर में सो रहा था, उसको मैंने फ़ोन किया, ये ज़ैफ़ा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, ये सीन है। एयर पे गाड़ी फुल ट्राला बनी, ज़ैफ़ा भाई अभी
आगे जाके आप लोगों को सीन चेक करवाते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी है 7%, तो इसलिए मैंने फ्लैश भी नहीं ऑन की। मैं आगे जाके आप लोगों को दूसरे फ़ोन से इंशाल्लाह सीन चेक कराता हूँ। अभी शादी में हम पहुँच गए, ये तो कार शो वाला सीन हो गया यार शादी। अगर तूने बचाई ना तेरी खैर नहीं है जानी। रोटी खोल गई शफीक अहमद, बिल्कुल हैदर भाई तो प्लेट बाबे तूने भी बचाया। मुज़फ़्फ़र को कबाब दे, इतने कबाब खा के बंदा वैसे ये ले लो ब्लॉग में, ये ले लो, ये मैं तो मुंह भाई। शादी वादी सीन ओवर करके हम निकल रहे हैं, सारे जा रहे हैं, मिट्टू भाई को छोड़ के बाकी सब जा रहे हैं अपनी शॉप पे। क्या चीज़ है यार ये, तो उस्मान भाई भी जा रहे हैं। एक मिनट ना नहीं आ गया, मैं आप लोगों को ना शॉप पे पहुँच के मिलता हूँ रास्ते में ज़रा जो है ना। अभी हम निकल आए वापस, जा रहे हैं शॉप पे, सीधा शॉप पे। कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, सारे बॉयज़ वापस पहले शॉप पे जो है ना अटेंडेंस लगाते हैं, बैठते हैं थोड़ा चिल विल मारते हैं और फिर जो है ना वापस घरों को जाते हैं। अभी हम अल्लाह ने खैर की खाना शाना सही फिट ज़बरदस्त का भी खा के जा रहे हैं, जो हमारा मिशन था वो हो गया कम्प्लीट, जा रहे हैं वापस और आपको पहुँच के मिलता हूँ। क्योंकि अभी पीछे जो है ना बॉयज़ को मस्तियाँ सूझ रही, आ रही साथ है तो आपको पता है ये जो है ना बाज नहीं आता, ये आ रहा है पीछे, ये एकदम पड़ा पड़ा करता हुआ गुजरेगा। अभी देखना बॉयज में से उंगली देता हूँ, चेक करना अभी उंगली देती उंगली 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 उंगली। मैंने आपको क्या कहा, चेक ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। चेक करें बॉयज फिटमेंट, फिटमेंट चेक, डेंजरस फिटमेंट। हम आ गए हैं वापस शॉप पे। मैं जा रहा हूँ घर। ये जब हम पिछले सीन में गए हैं ना चक्री, तो मैंने फ्यूल डलवाया था 9000 रुपये का, तो और मैंने कहा यार खड़ी रहेगी गाड़ी एक महीना, जब लाहौर जाएंगे तभी निकालेंगे, तो ये है कि चलो काफ़ी सारा पेट्रोल होगा, मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगा क्योंकि एक कार शो भी आ रहा है कर रहे हैं, एक कार शो भी आ रहा है वहाँ भी जाना है, तो ये नहीं बच पाएगा, वो दोबारा भरवाना पड़ेगा। मैं चाह रहा था कि चलो जितना बच जाए ऊपर से थोड़ा डलेगा फुल हो जाएगा। ओ मैं पहुँच गया हूँ घर, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों ने शादी भी इंजॉय की होगी, बाकी सारे सीन भी इंजॉय किए होंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो हमारी एक दावत है, हमें उधर जाना है वाकेंड उधर का आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करें यार, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।